गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पद्य खंड से है। कविता नंबर 10 वाक। कवि का नाम है दरद। मुख्य विषय रहेंगे इसमें रस्सी, कच्चा धागा, नाव, भवसागर, कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास, घर जाने की चाह, खाकर न खाकर अहंकारी, सांकल बंद द्वार की, सीधी राम, सुसुम सेतु, जेब, कोड़ी, माझी, ईश्वर, थर थर में शिव, हिंदू मुसलमान, स्वयं का ज्ञान और ईश्वर की पहचान। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता, जिसमें कवि ने तीन पद्यांश दिए हैं। तीनों पद्यांशों में जो कवित्री है ललित जी, इन्होंने मनुष्य को ईश्वर भक्ति में लीन रहने का आग्रह किया। कवि जो कवित्री है वो कहती है, कवित्री ललित जी कहती है पहला पद्यांश में कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूं, लेकिन वो भवसागर के पार नहीं जा रही और उसके जो मेरे सारे प्रयास हैं वो विफल हो रहे हैं। कवित्री कह रही है कि मैं इस जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींच कर इस भवसागर यानी संसार से पार लगना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि जो जीवन रूपी कच्चा सपोरा है उससे निरंतर जल टपकता रहता है, यानी मेरा जो जीवन है वो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है। मैं सांसारिक जो पारिवारिक रिश्ते नाते हैं उनमें उलझी हुई हूँ, इसलिए मैं भवसागर से पार नहीं उतर रही हूँ। कवित्री घर जाने की चाह से अर्थ है कि भी कवित्री है जो कहते हैं कि हम जिस घर से आए हैं, ईश्वर के घर से आए हैं और मैं उसी के घर वापस जाना चाहती हूँ। अगले पद्यांश में कवित्री जी कहती हैं कि अगर मनुष्य इन सांसारिक जो भेदभाव है इनको छोड़ दे और सांसार जो मोह माया है, रिश्ते नाते हैं, इनमें न फंसे तो वो क्या होगा, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी अगर मनुष्य खाता रहता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, यानी तो वो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो खाता नहीं यानी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, भाई दिखावा करता है, वो मनुष्य भी अहंकारी बनता है, वो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर कवित्री जी कहती है कि जब व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके मन की जो बंद द्वार की जो सांकल है वो खुल जाती है, यानी ईश्वर को वो प्राप्त कर लेता है। अगले पद्यांश में कवित्री कहती है कि हम जब इस दुनिया में आए थे, यानी जब हमारा जन्म हुआ था, तो हम सीधी राह से आए थे, यानी हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं था, हमें किसी रिश्ते नातों में हम बंधे नहीं थे, बिल्कुल हम बिल्कुल स्वतंत्र थे। लेकिन अब यहाँ पर दुनिया में आकर परिवार के रिश्तों में बंध गए हैं और हमें मोह माया ने घेर लिया। तो कवित्री कह रही है कि जब मैं सुषुम सेतु पर मैं खड़ी थी तो मेरा जो सारा जीवन है वो वैसे ही बीत गया, यानी मैंने कोई ऐसा भला काम नहीं किया, मैंने कोई प्रभु की भक्ति नहीं की जिससे कि मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। वो कहती है, अंत में वो कहती है कि मैंने पूरे जीवन प्रभु भक्ति की नहीं, भगवान का ध्यान लगाया ही नहीं, और जब मेरा अंत निकट था तो मैंने अपने स्वयं का निरीक्षण किया, आकलन किया स्वयं का, तो मैंने पाया कि मैंने अपने जीवन में मैंने कुछ भला काम किया ही नहीं, मैंने प्रभु की आराधना तो की ही नहीं, अब मैं प्रभु के देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात इस नाव को जो पार लगाने वाला है, जो इस जीवन रूपी नाव को पार लगाने वाला माझी यानी
उसमें कवित्री ने बताया है, यानी एक ही सत्ता रूप का वर्णन किया है कि ईश्वर एक है, प्रत्येक कण कण में, यानी चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, प्रत्येक कण में भगवान शिव का वास है, उसको हमें इधर उधर भाइयों या पत्थरों में पेड़ों में नहीं ढूंढना चाहिए। वो कहती है कि जो हिंदू मुसलमान है उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू है वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है और मुसलमान होते हैं वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन जो भगवान है वो प्रत्येक कण में समाये हुए हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि हमें अपने स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता पाठ जो 10 है वाह, और इसके कवि है ललित जी। आप इनको भी याद करना है और इस कविता को भी रीड करना है।